अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है साले। तेरे जैसे बदमाशों से तो मैं रोज निपटती हूँ। सीएम का मर्डर मैंने किया था? नहीं। किसने किया था बता, किसने किया था? अगर बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी, बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार कर आगे बढ़ा तो। मूव मूव। से तू इस जेल में आया हुए हमेशा कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई हंगामा, और आज तो तूने हद कर दी। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए। मैं अपना हाथ दो ही वक्त उठाता हूं, दुआ के लिए जो मेरा ईमान है, और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है। और इश्क करने से आप क्या समाना भी किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। साडा ना जेल ललकार सिंह है, जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा। ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मेरी बात मानिए, एक गिलास ठंडा पानी मंगवा कर पी लीजिए। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, और अपने इश्क को काबू में रख, नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा। ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है, मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है, सजा क्या दुगनी करेगा? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा। ओए मेरा मुहाफिज है खुदा, तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके? तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके? खुदा हाफिज। अरे क्या कर रहे हो भैया, अगर पुलिस वाला टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती, बर्बाद हो जाते भाई हम। अरे उसने यार यहाँ पे टाटिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के सब कन्फेस करवा लिया। ये नीतू सिंह तो सीएम मर्डर केस का पर्दाफाश करके रह गए। नीची आवाज में बोलो भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सीबीआई की आला ऑफिसर है वो, कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी वो। ठीक है फिनिश कर दो उसको। अरे गोली मार दो ससुरी को, कहना कि जेल से भाग रही थी। अरे भाई तू तो जेल का मालिक है, एक बात बता, वो टटुआ उसके काबू में कैसे आया? हुसैन की वजह से। हुसैन? अरे वही हुसैन जो तेरी जान का दुश्मन है। ओए हुसैन, मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा, जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे। नूरहीम आप भी लो। शुक्रिया।
चाची आज का दिन तुम कभी नहीं भूलती। कैसे भूलेंगी, आज हुसैन का जन्मदिन जो है। हाँ। आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को। आमीन। हुसैन भाई तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा, फिर मिलने से क्या फायदा होए? ललकार सिंह जी मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों तेरी गरजती हुई आवाज क्यों कांपने लगी? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चट्टेगा, फिर भी मैं तेनू बाहर नहीं जान देंगा। चिलर साहब, चिलर साहब वो मेरी बहन है, अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। चिलर साहब आप बेशक मेरे साथ दो कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं दो नहीं चार भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। सर जब से जेल में आया है हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जेल और जेलर को खिलौना समझता है। खिलौना तो अब इसकी जिंदगी बनेगी, इसी के खून के साथ इसकी दास्तान लिखूंगा, ऐसा सलूक करूंगा कि ये फिर किसी जेलर के साथ पंगा नहीं लेगा। ओए दाएं से शुरू करूं या बाएं से? चमड़ी खींचो इस पानी की।
ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है। आओ केक काटते हैं। अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। माचिस है। माचिस, ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। वर्धन, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत समीर नहीं देता। उस काम के बाद शोएब नहीं रुका। उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थीं क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, चोनी के बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, दो मिनट। पैट्रिक जल्दी, मुझे कुछ दिखाई दे। जल्दी पैट्रिक। ए, रुक। गाड़ी में मरीज है, थोड़ा अर्जेंट है, अस्पताल जाना है, हमें जाने दो। बाहर निकल। सुना ना तूने? जाने दे। लगता है तूने नहीं सुना। अबे साले, एम्बुलेंस में सोना लेके जाते और गाड़ी में मरीज, पुलिस को क्या बेवकूफ समझ रखा है? चल बाहर निकल। ए ड्राइवर, चल गाड़ी की डिक्की खोलो, तलाशी दे। ए वर्दी, तलाशी लेनी है ना तुझे गाड़ी की? ए! मैं दिखाता हूँ तुझे गाड़ी का। कुरा, कुरा। देख, देख, देख। दिखा कुछ। ए सोना, चलो डिक्की चेक करते हैं। पूरी गाड़ी दिखा दे। ये देख, देख कुछ है क्या? She is suffering from congenital heart disease. मैं समझा नहीं। मतलब उनके दिल में छेद है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को माँ के गर्भ में ही लग जाती है, बचपन में ही पता लग जाता है। तो अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ और साल। I'm really sorry. जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। आप उनसे मिल सकते हैं। किसी की सुनी, ना किसी की चलने दी।
पर गलती ये हुई कि मेरा प्यार थोड़ा सा बढ़ गया। अब तो ही पता किसे दिल से लगा। तू धंधा छोड़ने की बात कर रहा है? बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब मैं रिहाना के लिए छोड़ सकता हूं। कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबई का दिल बहुत बड़ा है, डरता हूं कोई इसे तोड़ ना दे। आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ हमारे धंधे की वजह से। धंधा छोड़ दिया ना सबकी आवाज खुल जाएगी। मैं जो कुछ भी हूं अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से हूं। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। नहीं सुल्तान, अगर हम धंधे में नहीं रहेंगे तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा। उसके बाद डर खत्म, इज्जत खत्म, कानून हमारे पीछे। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूं, तेवर नहीं। आज फिर मैं बकरा, हमेशा मेरी भाई। सलाम। सलाम भाई। सलाम भाई। ये बेचारी इतना नहीं नाची होगी जब इसमें शराब थी, तो अब इतना क्यों घूम रही है? भाई हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। तो खेल भाई, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता। जब तक नाल और नकेल नहीं लगती हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। इस घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में, ना ये रुकेगा ना बैठेगा। तो कान से नहीं दिमाग से सुन। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक यहां का धंधा तू संभालेगा। और याद रखना, ना ही ये विरासत है और ना ही खैरात। कोशिश करूंगा, इस बार शिकायत का मौका ना दो। मौका मिलेगा भी नहीं। ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है द्रौपदी। तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद, इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडू सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूं, बाहों में भरना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, वो सब करना चाहता हूं जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं, सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो मैं वो बाहर से निकल जाएगी, इससे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। शोएब भाई एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मुझे
अपने भाई को मरवाना है। काम खत्म होने के बाद मेरा आदमी तुम्हें यह सुपारी का टुकड़ा दे देगा, जोड़ के देख लेना और माल दे देना। काम हो तो जाएगा। अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है जावेद, देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस 5 लाख को 50 पे कैसे बदलता हूँ। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे, क्या जवाब दूँ? मैं कौन हूँ? गृह मंत्री। और वो बंबई का एक मामूली गुंडा, उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहाँ बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई, हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं? एक पैसे का भरोसा नहीं उन्हें कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस। गन चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी, वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहां सुल्तान नहीं, मैं हूं। आपके खराटे भी आपके भाषण की तरह हैं, लंबे लंबे। तुम यहां कैसे आए? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। क्या बदतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हें? खादी, कीमत बोलो। ये मुमकिन नहीं है, आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दें तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है, अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है, 12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर। हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उससे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा? सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए,
हम इन्हें गिरफ्तार करते और इस साले रिहा हो जाते हैं। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है। एक बार ये मुट्ठी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी। पर ये मुट्ठी खोलेगा कौन? यही शोएब, जिसके कारनामों पे आज हम पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन वो तो सुल्तान का खास है। वो किसी का खास नहीं है।